अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरा हो गया है और इसके साथ ही लोगों का सदियों पुराना इंतजार भी खत्म हो गया है। रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं और उनकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। समारोह के दौरान गर्भगृह में पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला की पूजा अर्चना की और इसके बाद मूर्ति का अनुष्ठान पूरा किया गया। श्री रामलला गर्भगृह में विराजे और मोहक स्वरूप उनका सामने आया। आज भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अयोध्या में रामलला को विराजमान किया गया है। ये प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव देश नहीं विदेश में भी देखा गया और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज के समारोह को मनाया गया है। तो चलिए, हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता करण जयसिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका जरा रुक करना चाहेंगे। करण, आपसे जानना चाहेंगे, अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, एक भव्य दिव्य स्वरूप उनका सामने आया है, अब क्या कुछ माहौल अयोध्या में देखने को मिल रहा है क्योंकि भगवान श्री राम का स्वरूप सामने और गर्भगृह में उनको विराजमान किया गया है? दीपिका, सदियों पुराना सपना अब साकार हो गया है। राम लला अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं। अयोध्या नगरी में हर्ष और उल्लास का माहौल है। इस वक्त मैं धर्म पथ पर मौजूद हूं और देखिए, क्योंकि वीआईपी रूट लगा हुआ है, जो अतिथि यहां पर पहुंचे थे अब वो वापस जा रहे हैं, इसके चलते धर्म पथ को फिलहाल यहाँ से क्लियर किया गया है, रोड को क्लियर किया गया है और दोनों तरफ जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो मौजूद हैं और इतना हर्ष और उल्लास इन श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़े अयोध्या में इस वक्त बजते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी इंतजार है उस पल का जब कल से मंदिर खुलेंगे आम जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, तो लोग उस मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है, क्योंकि पीएम मोदी अभी अयोध्या में ही हैं और योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में हैं, इसलिए तमाम जो सड़कें हैं वो खाली कर दी गई हैं क्योंकि रूट लगा हुआ है और अब वीआईपी का जो यहाँ से जाना है वो अब शुरू हो गया है। वीआईपी अब अयोध्या नगरी से जाते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो सुरक्षा बल जो है उसने मोर्चा संभाल लिया है और आप हर गली हर चौराहे पर देखेंगे अयोध्या में फिलहाल माहौल जो है वो बहुत ही खुशनामा है। हर्ष और उल्लास अयोध्या की हर गली में देखने को मिल रहा है। लोगों के अंदर जोश है। लोगों का कहना है कि जो उनका सपना था वो आज साकार हो गया है। कई पीढ़ी पहले सपना देखा था लेकिन आज कई पीढ़ी बाद उस सपने को साकार होते वो पीढ़ी देख रही है और इस तरह का माहौल पूरी अयोध्या में फिलहाल देखने को मिल रहा है। दीपिका, बिल्कुल कर्ण, साथ ही साथ जाना चाहेंगे क्योंकि देखिए, मोहक स्वरूप भगवान श्री राम का सामने आया और हर तरफ कण कण में श्री राम विराजमान हुए हैं। सभी में उत्साह का माहौल है। कल से जहां से 23 जनवरी से आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन यहां पर भगवान के खोल दिए जाएंगे, तो कोई विशेष प्रबंध यहां पर किए गए हों? देखिए, आज रात को पहले दीपावली मनाई जाएगी। अयोध्या समेत पूरे देश भर दीपावली मनाई जाएगी और दीपावली के साथ साथ कल से जो मंदिर खुलेगा उसके अनुसार जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं मंदिर के खुलने का। जब मंदिर खुलेगा तो रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन धर्म पथ पर भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं वो किए जा रहे हैं। मंच सजे हुए हैं और क्योंकि वीआईपी अब जा रहे हैं और जैसे ही वीआईपी निकलेंगे उसके बाद जो माहौल अयोध्या का देखने को मिलेगा वो बहुत ही मनमोहक होगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा लता चौक पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे और ये कह रहे थे कि राम लला अब अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। वो क्षण, वो घड़ी आ गया है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था और अब क्योंकि राम लला विराजमान हो चुके हैं इसलिए तमाम जो लोग हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं, वो अब इंतजार कर रहे हैं मंदिर खुलने का और मंदिर खुलने के बाद मंदिर में भी श्रद्धालु पहुंचेंगे और वहां पर रामलला के दर्शन करेंगे। बिल्कुल करण, जिस तरीके से आपने बताया कि श्री राम आ गए हैं और श्री राम के आने की खुशी हर तरफ अयोध्या में देखने को मिल रही है, तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ करण। और वहीं हमारे दर्शकों को हम वो 5 तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जो बहुत ही मनमोहक करने वाली ही है। तस्वीरें देखिए, राम मंदिर में पीएम मोदी ने जब प्रवेश किया था वो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रही हैं। इसके साथ ही जब राम लला को विराजमान किया गया था, किस तरीके से पूजा अनुष्ठान और विधि विधान से रामलला को विराजमान किया गया, रामलला के दिव्य दर्शन हुए, मनमोहक जो छवि थी उनकी वो हम सभी ने आज देखी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत ही खास मुहूर्त में की गई। रामलला की पहली आरती हुई आज।